हाय गाइस, तो क्या आपका डोर का जो लैच है वो ढंग से अंदर बंद नहीं हो रहा है, या कई बार उसको प्रेस करना पड़ता है फिर लॉक लगाना पड़ता है, या लैच ढंग से बंद नहीं हो रहा, या फिर फ्लोर जब दरवाजा आप खोलते हो और फ्लोर के नीचे वो एकदम से टच हो जाता है, चूंकि बड़ी इरिटेटिंग सी आवाज आती है, या फिर जब आप दरवाजे को धीरे से खोलते हो और बिल्कुल हॉरर टाइप आवाज आती है चूं करके। तो आज मैं आपको ऐसी सारी सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूं जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, और वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो मार्केट में जाके आपको बेस्ट क्वालिटी का डोर लेना है वो भी सस्ते रेट में। क्योंकि मार्केट में ऐसा स्कैम भी चलता है जिससे कि आपको जो दरवाजे हैं वो आप पे तो पूरा करते हो, अमाउंट पूरा देते हो अच्छे दरवाजे का, लेकिन आपको मिलता क्या है, सबसे घटिया डोर। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि फ्लश डोर्स अगर हम लेने वाले हैं तो कैसे चेक करना है कि वो बेस्ट डोर है, और इस डोर की कॉस्ट क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होती है कि अगर आपने पॉलिश करा ली या माइका लगा लिया तो उसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी, कौन सी ऐसी वो ट्रिक्स हैं जिससे कि आपके फ्लश डोर की लाइफ तो बढ़ेगी साथ के साथ जो छोटे छोटे डेली प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे, और मैं हूं आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो देखो यार, इन सारे जो पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी प्रॉब्लम्स बताई है इसको सॉल्व करने का सबसे पहला जो तरीका होता है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको वहां पे डोर को सेलेक्ट कैसे करना है। तो मार्केट में जाके आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि यार डोर कौन सा लेना है, क्योंकि मार्केट में तो 1000 types of brand है, 1000 types of variations आती हैं डोर में। तो बेस्ट जो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में किए हैं और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में फुल तो ये पता लगा लिया कि कौन सा बेस्ट डोर रहता है। तो थिकनेस जो है वो हमेशा दरवाजे की 35 mm रखनी है, मतलब कि 35 mm रखनी है। तो मार्केट में आपको कोई भी अगर बोलता है यार इतना थिकनेस का ले लो, क्योंकि 30, 35 और आई थिंक 25 mm का बोर्ड भी आता है, वो नहीं लेने आपको, आपको 35 mm का लेना है। तो अगर आपको मार्केट में कोई कह रहा है कि यार नहीं ये भी चलता है ये भी अच्छा, नहीं, सिंपल आपको क्या करना है 35 mm के डोर के साथ ही रहना है। अब छोटा सा मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ, जनरली आपको पता है मेरा स्टाइल नहीं है कि टेक्निकल चीज़ें बताने का, बट ये छोटा सा पॉइंट है जो जानना जरूरी है। देखो बेसिकली डोर का स्ट्रक्चर, फ्लश डोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो उसके चारों तरफ एक ऐसे बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिक्स होंगी, और उसके सेंटर पे एक सॉलिड वुड का एक सेंटर पीस होगा, मतलब कि चारों बॉर्डर में सॉलिड वुड, सेंटर में एक प्लैंक सॉलिड वुड का, और बीच में नंबर ऑफ स्टिक्स आ जाती है। ये होता है हमारा फ्लश डोर, फोटो में भी आप देख सकते हैं। अब इसमें जो अच्छी और घटिया क्वालिटी हो कैसी हो तो नंबर ऑफ स्टिक्स पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ स्टिक्स बहुत सारी हैं और जो बीच में उनके गैप्स हैं वो बहुत माइन्यूट सा है, तब तो वो बोर्ड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अगर उनकी स्टिक्स का गैप बहुत ज़्यादा और अंदर बुरादा या जिसे पार्टिकल बोर्ड भी बोलते हैं वो भरा हुआ है तो वो बोर्ड बहुत घटिया है। अब इनके फायदे नुकसान क्या होने वाले वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको हमेशा उनको बोलना है, कस्टमर को बोलना है, जनरली अच्छे बोर्ड जो हैं वो 55 से 60 रुपये स्क्वायर फीट की स्टार्टिंग में नॉन ब्रांडेड में आ जाते हैं। अब अगेन ये आपका पॉकेट बजट का साइज़ है, आप ब्रांडेड में जाना चाहते हैं कि नॉन ब्रांडेड में, बट आपको वहाँ पर डीलर को ये बोलना है कि आपको अच्छी क्वालिटी का बोर्ड चाहिए, फिर वो रेंज अपने आप बता देगा 50 का 60 का या 70 का कौन सा अच्छा बोर्ड आएगा। ये बस आपको बातें वहाँ पर डीलर को बोल देनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको डीलर को क्या बोलना है कि भैया बढ़िया बोर्ड देना जिसके अंदर कोई पार्टिकल वगैरह ना हो, मैं कटवा के चेक करके देखूंगा। बस जैसे ही आपने ये बोला आपकी ट्रिक काम कर जाएगी और उसे पता लग जाएगा कि आपको पता है डोर की कॉम्पोजिशन के बारे में, और वो अपने आप आपको सिर्फ वही बोर्ड दिखाएगा जो कि एक अच्छी क्वालिटी का बोर्ड होगा। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो हम भी यूज़ करते हैं। तब हमें यह पता लग गया कि भैया बोर्ड कैसे सेलेक्ट करना है। अब दूसरा होता है कोर। अब कोर क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। अब देखो कैसे इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊंगा। कई बार आपने देखा है कि जब आप घर में अपने लैच लगाते हैं, चिटकनी जिसे हम बोलते हैं, और वो ऊपर या नीचे की तरफ अगर आप डोर में लगाते हैं तो कई बार आपको थोड़ा सा डोर को पुश करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है और फिर लगाना पड़ता है। तो उसके पीछे रीज़न होता है कोर। कोर का मतलब हो गया कि जो मैंने आपको कंपोजिशन बताया था उसमें क्या होता है, भाई फ्रेम बन गया, अंदर स्टिक्स डल गई, और जैसे स्टिक्स हो गई अब इसके इस साइड से भी प्लाई लग जाएगी और इस साइड से भी प्लाई लग जाएगी, तो हमारा पूरा एक डोर तैयार हो जाता है। अब कोर का मतलब हो गया कि जो ये प्लाई लग रही है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है। तो आपको सीधा ये हम इसमें दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल कोर एक डबल कोर। तो आपको हमेशा डबल कोर का लेना है, सिंगल कोर का नहीं लेना है। सिंगल कोर की थिकनेस कम होती है, डबल कोर की थोड़ी सी ज्यादा होती है। डबल कोर से फायदा क्या होगा कि जो वो आपका बोर्ड है वो इजीली बैंड नहीं होगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं। जिससे फायदा क्या होगा, जब आप वो लैच लगाओगे वो बोर्ड हमेशा सीधा रहेगा, देखने में तो आपको लगेगा बोर्ड सीधा है लेकिन वो लैच नहीं लगेगा। तो डबल कोर में फायदा क्या होगा, वो बोर्ड हमेशा सीधा रहेगा, बैंड होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, और जो आपका लैच है वो इजीली लगेगा। अगेन जो लॉक है वो इजी लगेगा क्योंकि डोर बैंड नहीं होगा। तीसरा क्या होता है कि कारपेंटर की स्किल पे बहुत डिपेंड करता है। आपने देखा होगा मार्केट में अनाड़ी कारपेंटर भी बहुत है यार, लेबर मेजन बहुत अनाड़ी अनाड़ी भरे हुए हैं।
जिनको कुछ नहीं पता और सब एक अपने आप को स्किल्ड मेजर या स्किल्ड टाइप का बंदा बताएंगे, सारा काम खराब कर देंगे और होगा कुछ नहीं एट द एंड। आपके पैसे फर्स्ट दिन डोर काम करेगा, सेकंड दिन खराब, तीसरे दिन और खराब और धीरे धीरे खराब, और अगेन आपको नया डोर या नया लॉक या कुछ लगाना पड़ेगा जिसमें आप गलती किसी की नहीं बता सकते। ना तो आप ये कह सकते कि भाई लॉक गलत है या कारपेंटर गलत था या बोर्ड गलत था। अब इसमें लॉक को कैसे सेट करना है, आपको क्या चेक करना है कि जब भी कारपेंटर बोर्ड की कटिंग करेगा, सपोज करो एक स्टैंडर्ड साइज आया बोर्ड डोर का, वो डोर को फिट करने जा रहा है, उसको चारों तरफ से बराबर ट्रिम करेगा और अंदर एक छेद बनाएगा। छेद का बनाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था, एक पैनल, उसके बीच में जो वो सॉलिड वुड होता है हमेशा लॉक उसके अंदर फिट होता है, जो उसका इंटरनल पार्ट होता है जिसके अंदर लैच होता है। कई बार अनस्किल कारपेंटर क्या कर देते हैं, वो जो सेंटर पार्ट है उसके अंदर लॉक ना बिठा के या तो ऊपर कर देंगे या नीचे कर देंगे। और किचन में कैसे आपके साथ चीट हो सकता है या क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे कि आपके किचन में कभी टर्माइट नहीं लगेगी या कभी कुछ नहीं होगा, वो मैंने अपनी लिंक में डाल दिया। और मॉड्यूलर किचन में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये होता है स्कैम, लोगों के बहुत पैसे डूब चुके हैं, आई बटन में डाल दिया मैंने, जाके वीडियो ज़रूर देख। तो आपका जो लॉक है वो एक सॉलिड वुड में जाने की बजाय एक स्टिक्स में चला गया, जिससे घाटा क्या होगा, वो लॉक लूज रहेगा, हिलेगा, लैच अंदर बाहर होने में दिक्कत करेगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब कारपेंटर काम कर रहा है तो उसको बस एक बार बोल देना है कि भैया जो लॉक आप सेट करोगे ध्यान रखना जो बीच वाला सॉलिड वुड है उसी पे आए, ना कि ऊपर नीचे हो जाए, नहीं तो आपके पैसे काट लूंगा। तो अगेन वो काम को और ज्यादा ध्यान से करेगा चाहे वो अनस्किल्ड हो, और आपका लॉक कभी भी नहीं अटकेगा और लैच जो है एकदम मक्खन की तरह आगे पीछे होएगा। अब फ्लश डोर के कुछ फायदे और होते हैं। फायदा क्या होता है, देखो फ्लश डोर के अंदर जो स्टिक्स के अंदर जो फिलिंग करी जाती है उसके अंदर ऑलरेडी टर्माइट का केमिकल मिला दिया जाता है, जिससे फायदा क्या होता है, आपके दरवाजे में कभी दीमक नहीं लगेगी। दूसरा क्या होता है, इसमें केमिकल ये भी डाल दिया जाता है जिससे कि वो फायर रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि अगर घर में आग लगी, ये सॉलिड वुड के मुकाबले में फायदा है फ्लश डोर का, अगर घर में आग लग गई तो सॉलिड वुड डोर में आग सबसे पहले लगी जबकि फ्लश डोर में नहीं लगी, क्योंकि उसमें अंदर एक केमिकल होता है जिससे कि आग तो लग जाएगी लेकिन फायर रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब होता है, प्रूफ और रेजिस्टेंट का मतलब समझ लिए, रेजिस्टेंट का मतलब होता है जैसे अगर आपने देखा होगा कि मोबाइल जो है वो आपका वाटर रेजिस्टेंट है ना कि वाटर प्रूफ, तो वो रेजिस्टेंट हुआ। ये नहीं कि अगर आपने पानी को पूरा डुबा के छोड़ दिया तो कुछ देर तक तो वो होल्ड करेगा लेकिन उसके बाद पानी उसमें चला जाएगा। तो सेम ऐसे आ जाता है फायर रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब अगर आग लगी तो कुछ देर तक तो वो आग को होल्ड करके रखेगा, इतनी जल्दी वो खुद जलना स्टार्ट नहीं होगा लेकिन कुछ देर के बाद हो जाएगा, जबकि सॉलिड वुड डोर तुरंत आग पकड़ेगा, तुरंत जलना चालू हो जाएगा। तो फ्लश डोर का ये एक भी फायदा है। ये मैंने पॉइंट इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने एक साइट देखी थी जिसमें जस्ट उनका घर बना था और दिवाली के दिन उनका इनॉग्रेशन हुआ, शाम को सब बाहर पार्टी करने गए, ये होगी करीब 2016 की बात, और जब वो वापिस आए 9:30 बजे के आसपास रात को, उनके पूरे घर में आग लग चुकी थी। तब उन्होंने हमें बुलाया था और कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको इतना ज़्यादा एस्टिमेट बना के दे दिया, 12-13 लाख, आपको तो फ्लोर तोड़ना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, हम वहाँ पे गए, हमारे कारपेंटर ने ही उन्हें बताया था कि आप ऐसे ऐसे एक बार मिल लीजिए। तो हम वहाँ गए, पूरा स्कैम था, मार्केट में बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, उनका इंटीरियर का तो यार सब कुछ जल चुका था, कॉस्ट तो उतनी लगी लगी, लेकिन जो उनको बोला गया था कि अब तो आग लग चुकी है और कंक्रीट ख़राब हो गया, तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था, वो कुछ भी नहीं हुआ। हमने अपनी श्योरिटी के लिए भी एक टेस्ट आता है जिसकी कॉस्ट 1200 रुपये होती है, हमने अपने लैब वाले को बुलाया, उसने ईजिली टेस्ट किया और पता लग गया। हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो मैं आपको कहता हूँ कंसल्टेंसी बिजनेस, उसका ये भी फायदा होता है, इसलिए पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया। अब जो बहुत मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट क्या है आपका, उसकी हार्डवेयर फिटिंग्स। हार्डवेयर फिटिंग्स का मतलब हो गया हिंजिस, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई नहीं बता रहा अरे हिंजिस ही तो है, मार्केट में आप जाओगे भाई हिंजिस भी दे दो इसके वो ले लो, नहीं, पर यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप हिंजिस जो हैं वो आपने घटिया क्वालिटी के ले लिए, लोहे के ले लिए या नकली SS के ले लिए, तो फिर तो भैया आपका जो दरवाज़ा है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो आपने देखा होगा कई बार जो आपका दरवाज़ा है वो फर्श में अटकता है, बंद किया और एंड में जाके थोड़ा सा लूज़ हो गया, वो इसीलिए क्योंकि या तो उसमें 3 हिंजेस लगे होंगे, नहीं तो वो हिंज घटिया क्वालिटी का, क्योंकि हिंज का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपके डोर के वेट को उसे सपोर्ट करना है, उससे क्या होगा धीरे धीरे या तो हिंज निकलने लगेगा, स्क्रूज अपने आप निकलने लगेंगे और धीरे धीरे जो आपका डोर है वो धीरे धीरे टिल्ट होगा और फर्श में टच होने लगेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा घाटा है। तो हमेशा 4 हिंजेस तो आपको लगाने हैं, 5 की जरूरत जनरली नहीं होती है अंटिल अनलेस आपके डोर का साइज 7 फुट बाय 3 फुट से ज़्यादा ना हो। तो 4 हिंजेस कम से कम आपको लेने हैं, स्टेनलेस स्टील के लेने हैं और डीलर को बोलना है कि भैया मुझे हिंजेस सबसे अच्छी क्वालिटी के चाहिए। दूसरा एक और क्या होता है, चूँ चूँ आवाज़ होने लग जाती है, उसके अंदर जो उसका मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा लोड की वजह से आवाज़ करने लग जाता है, तो इसलिए हिंज आपको हमेशा अच्छे लेने। दूसरा आता है लॉक, अब लॉक तो देखो यार ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड बहुत सारे आते हैं
क्वालिटी भी बहुत सारी आती है, बट जनरली अगर मैं आपको बताऊं 900,000 रुपए के रेंज में अच्छा लॉक आ जाता है। आप ब्रांडेड भी ले सकते हैं, नॉन ब्रांडेड भी ले सकते हैं, बस जो भी हो डीलर से गारंटी वारंटी ले लीजिएगा और कहीं भी लिखवा जरूर लीजिए। अब जो पॉइंट आता है इसकी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग कैसे निकालनी है ऑन एन एवरेज, देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होने वाले हैं जो आपको कैलकुलेट करने होते हैं। मैं लिस्ट डाल देता हूँ, इस लिस्ट में वो सारी टोटल कॉस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि यार एक डोर की कॉस्ट कितनी आएगी अच्छे डोर की, अच्छे डिजाइन के डोर की। इसमें मैं सब हर चीज़ ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा, जैसे प्लाईवुड जो है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक नॉर्मल ब्रांड का अच्छी क्वालिटी का, और जो फिटिंग्स हैं आपकी वो आप ओजोन में जा सकते हो या इनॉक्स में जा सकते हो या इस रेंज में, मतलब 1,000-1,200 की रेंज में भी इस क्वालिटी में आ जाते हैं। डोर सेट का भी आप ले सकते हो, वो भी एक अच्छा ब्रांड है। अब आते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में, और कॉस्टिंग 2,000 रुपये, ना माइका लगाने की जरूरत, ना विनीर लगाने की, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सीधा कॉस्टिंग सिर्फ 2,000 में। जो ब्यूटी है डोर की, आए हाय भाई क्या लगता है डोर। तो ये पहले तो फोटो देखो, ये कुछ फोटोज हैं डोर्स की। तो इसमें क्या करते हैं हम, डोर्स के ऊपर बनी बनाई मार्केट में मोल्डिंग आती है जो करीब 10-11 रुपये के रनिंग फुट के हिसाब से आती है। और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप मार्केट में जाके MDF की मोल्डिंग बनवा सकते हो, ये मोल्डिंग उस पर लगवा सकते हो। माइका के ऊपर आते हैं, देखो माइका के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, मैं तो कोशिश करूंगा कि खुद का एक पैटर्न बना ले, एक लाइट कलर एक डार्क कलर कंपोजिशन बना के अगर लगाएंगे तो वेस्टेज भी कम होगी और अगेन अच्छा भी लगेगा। और यार गाइज अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है मुझे मेल करो, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा, और जल्दी जिस दिन मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर इंटरनेट पर डाल दूंगा और आप इजीली मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाओगे अपने पर्सनल इंटीरियर कोच। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं सारा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यार लाइक सब्सक्राइब तो कर दो। टिल देन फिर बाय।